कोई कहता है कि आरक्षण समाप्त करेंगे, कोई कहता है कि संविधान को बदल देंगे। इतनी झूठी कोरी बकवास ये कांग्रेस देश के खिलाफ साजिश कर रही है। सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस के नेतृत्व में जो ये गठबंधन है, चाहे वह समाजवादी पार्टी का हो, चाहे वह आरजेडी का हो, चाहे वह आम आदमी पार्टी का हो, सच्चाई तो यह है कि बहनों भाइयों, इनका गठबंधन यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का विरोधी रहा है। याद करिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को चुनाव हराया था कांग्रेस ने। जब समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव की सरकार प्रदेश में बनी थी, तो अखिलेश यादव ने बनते ही सबसे पहला काम क्या किया? उसका पहला वक्तव्य था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, साहू जी महाराज, सावित्रीबाई फुले, इन जितने भी महापुरुषों के स्मारक लखनऊ में बने हैं, उन सबको तोड़ेंगे। ये बात ये अखिलेश यादव ही कहते थे। और इन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर, कांसी राम जी के नाम पर जो भी संस्थान बने थे, सबका नाम हटाने का पाप किसी ने किया था? इस समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार ने किया था। बहनों और भाइयों, अपने स्वार्थ के लिए संविधान के साथ छेड़छाड़ करना, देश के अंदर इमरजेंसी लगाना, भारत की भावना के साथ खिलवाड़ करना, एक कांग्रेस की फितरत रही है। और कांग्रेस आज फिर वही शरारत करने पर उतारू है। आप देखो, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब ये क्या करते थे? सारा पैसा कब्रिस्तान में देते थे नहीं देते थे? हमने यही पैसा घुमा करके उल्टा घुमा दिया। ये लोग उल्टा घुमाते थे, पैसा आपका, प्रदेश का, उस पैसे को एक कब्रिस्तान की बाउंड्री करने में। और कोई भी गांव की जमीन है, किसी गरीब की जमीन है, पता लगा अगले दिन चार लोग टोपी पहन कर गए और वहां पर वो बाउंड्री करने लगते थे और एक बोर्ड चपका देते थे, कब्रिस्तान है। हम लोग तो रोज लड़ते थे यहां, रोज लड़ते थे, लेकिन आज कब्रिस्तान नहीं, आज यही पैसा भारत के विरासत को, भारत के देवालयों को सजाने में खर्च होता है, उनके सुंदरीकरण के लिए खर्च होता है, यात्रियों की सुविधा के लिए, श्रद्धालुओं की सुविधा में खर्च होता है। और एक एक करके हरेक स्थान को भव्य स्वरूप दिया जा रहा है, और भव्य स्वरूप देकर के आम जनमानस की भावनाओं को सम्मान देने का काम किया जा रहा है।